Hello, dear students. I hope you are doing great and you are loyal to your studies. अगर आप JKSSB तमाम posts, UPSC, JKPSC, SSC, Bank, Railway या किसी भी exams की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही platform पे आए हैं। आज से हम General English की lecture series start कर रहे हैं और इस lecture series में सबसे पहले हम articles करेंगे। आर्टिकल्स दो तीन लेक्चर्स में ख़त्म होगा और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल्स के लिए, क्योंकि मैं आपको फुल कंसेप्ट इन इजीएस्ट वे पॉसिबल समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स इस लेक्चर सीरीज में, लेक्चर वन में। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स की डेफिनेशन, आर्टिकल्स तो आपको सबको पता होगा कि आर्टिकल्स कितने हैं। आर्टिकल्स तीन हैं, ए, एन एंड, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इनकी? आर्टिकल्स को कहते हैं डिटरमाइनर्स और नाउन मार्कर दैट फंक्शन टू स्पेसिफाई इफ द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक इन इट इज रेफरेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है। आर्टिकल्स हमें डिटरमाइन करते हैं, मार्क करते हैं कि एक नाउन जो है क्या वो स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी जिस नाउन को हम रेफर करते हैं, जिस नाउन की हम बात करते हैं, क्या वो कॉमन है, क्या वो आम सा नाउन है या कोई स्पेसिफिक है। ऑफन द आर्टिकल चोजन डिपेंड्स ऑन इफ द राइटर एंड द रीडर अंडरस्टैंड द रेफरेंस ऑफ द नाउन। आर्टिकल जो हम चूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि जिस नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, क्या वो नाउन रीडर और राइटर के लिए जो रेफर हुआ है, क्या वो अंडरस्टूड है या नहीं। यानी अगर रीडर और राइटर को पता है कि किस नाउन की बात करते हैं तो डिफरेंट आर्टिकल यूज होता है, और अगर उनको नहीं पता होता कि किस नाउन की बात की जा रही है तो डिफरेंट आर्टिकल यूज होता है। आर्टिकल्स की यूजेज। आर्टिकल ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो ए एंड एन है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ये यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। व्हेन द नाउन रेफर्ड टू इज नॉन स्पेसिफिक एंड जेनरिक। ये कंसेप्ट याद रखते हैं। जो ए एंड एन है ये यूज होते हैं सिंगुलर के साथ, यानी प्लूरल के साथ ये लग ही नहीं सकते। सबसे पहला कंसेप्ट ए एंड एन दे आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल के साथ ये नहीं लग सकते। और क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। एक तो होना चाहिए सिंगुलर, दूसरा काउंटेबल, तीसरा नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक। कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉन स्पेसिफिक एंड जेनरिक। तीन चार चीज़ें हैं एंड एन की। एक तो सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। दूसरा नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक, यानी जिसकी हम बात करते हैं वो हमें पता नहीं है कि कौन सा डेफिनेट या कोई स्पेसिफिक नाउन है, तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और एंड या एंड एन। तो आर्टिकल द, आइए बात करते हैं आर्टिकल द की। द आर्टिकल जो द है उसको डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू शो स्पेसिफिक रेफरेंस, यानी जिस चीज को हम रेफर करते हैं हमें पता है कौन सी चीज है, यानी कौन सा नाउन है ये, तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज होता है। और यूज होता है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। और बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एज कंपेयर टू एंड एंड व्हिच आर ओनली यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक बार में फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ। आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी इनडेफिनेट मतलब होता है कि जिसकी हम बात करते हैं ये हमें पता नहीं है कौन सी मखसूस चीज है, कौन सा नाउन है ये। तो आर्टिकल एंड एन आर यूज्ड इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो नाउन है वो नॉन स्पेसिफिक है या जेनरिक, यानी कोई भी जनरल चीज है। और आर्टिकल द उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इट इज यूज्ड टू शो स्पेसिफिक रेफरेंस, यानी जिसकी चीज को हम रेफर करते हैं हमें पता है। और बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, एंड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हम बोथ दोनों countable और uncountable nouns के साथ यूज करते हैं। एक टिप है यहाँ पे, ये बस जनरल बात है, यहाँ पे
Although there are some rules about article usage to help, there are also quite few exceptions. अगरचे यहाँ पे बहुत सारे rules हैं articles को सीखने के लिए, लेकिन हमेशा यहाँ पे कुछ exceptions भी हैं. इसलिए अगर हमें पूरी तरह से आर्टिकल सीखना है तो हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, और उस टाइम के लिए उस टाइम में हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी रीडिंग और स्टडी करनी होती है, जो भी पब्लिश्ड टेक्स्ट्स होते हैं और उनके नोट्स उतारने हैं. तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम परफेक्टली आर्टिकल्स सीख सकते हैं. यानी अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रूल्स को रट्टा मारना काफ़ी नहीं होता. हमें चाहिए कि बहुत सारी स्टडी और बुक्स, जो भी पब्लिश टेक्स्ट्स होते हैं, उनको जाके पढ़े तो उससे बहुत और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. अ फ्यू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस टू कीप इन माइंड. आर्टिकल्स को समझने के लिए हमारे लिए कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है. अगर ये हमें समझ नहीं आती है तो आर्टिकल्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है काउंटेबल नाउन. व्हाट इज काउंटेबल नाउन? मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा, क्योंकि इस स्टेज पे आके तकरीबन सबको पता होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है. फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जो आर्टिकल्स को समझने के लिए बहुत काम आएगा. द नाउन हैज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. सिंपल सा कंसेप्ट है, वो नाउन जिसकी दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. द प्लूरल इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग एन. यानी जो प्लूरल होता है वो हम फॉर्म करते हैं जब हम उसके पीछे एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स. यानी उसके पीछे हम जो है एस ऐड करते हैं और ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है. या कोई ऐसी चीज़ होती है, या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ई एस हम ऐड करते हैं, या जिनमें कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल यूज़ होती है, जो हम आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. वो नाउन्स जिनकी बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन हॉर्स, टू हॉर्सेस. सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. वन चेयर, टू चेयर्स, हम इसके पीछे एस लगाते हैं. इनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. वो नाउन्स जिनकी बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होती है तो उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. वन मैच, टू मैचेस, ये हमने, मुझे लगता है बचपन में सबने पढ़ा होगा, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. फिर भी आपके लिए यहाँ पे जिनको जो लोग या जो स्टूडेंट्स ये भूल चुके होंगे तो उनके लिए रिपीट है. काउंटेबल नाउन्स में ऑल्सो हैव इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स. यानी अगर हम हॉर्सेस, ये रेगुलर फॉर्म है इनकी, प्लूरल फॉर्म, रेगुलर प्लूरल फॉर्म है. लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो इरेगुलर है, जो अर्लियर फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश से ली गई हैं. फॉर एग्जांपल, वन चाइल्ड, टू चिल्ड्रन. चाइल्ड से चाइल्ड्स नहीं है बल्कि चिल्ड्रन है. फॉर एग्जांपल, वन माउस, टू माइस. ये माउसेस नहीं है, माइस है. इसकी प्लूरल फॉर्म माइस है. ये इरेगुलर प्लूरल फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्स, ऑक्सन. इसकी भी जो है ये इरेगुलर फॉर्म है. ये हो गया countable noun. अब uncountable noun. The noun refers to something that cannot be counted. वो noun जो हम count नहीं कर सकते. It does not have a plural form. For example, rice, चावल. हम rices नहीं बोल सकते हैं, ना ही हम rice को count कर सकते हैं. This is noun, but this is uncountable. इसकी plural form नहीं होती. For example, information. Information जो है वो जो नाउन है इसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकते. ये खुद ही सिंगुलर है, खुद ही प्लूरल है. इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती. ग्रामर है, ग्रामर का हम ग्रामर्स नहीं लिख सकते. कुछ भी हम करें लेकिन इसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते. उसके बाद होता है प्रॉपर नाउन. ये कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूँ अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है. उसके बाद मैंने बताया कि हम कुछ डेफिनेशंस लेते हैं जो ज़रूरी है आर्टिकल्स को समझने के लिए. प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन का नाम होता है, जगह का नाम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी चीज़ का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम. एंड इज स्पेल्ड विद कैपिटल लेटर्स. याद रहिए, जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से. अगर कहीं भी बीच वाले सेंटेंस में बीच में किसी का कोई नाम लिया होगा
और अगर वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रॉपर नाउन है. अगर हमें किसी प्रॉपर नाउन को यूज करना है किसी सेंटेंस में तो इट इज मैंडेटरी टू यूज कैपिटल लेटर्स बिफोर बिफोर दीज प्रॉपर नाउन्स. सो यूज ऑफ ए एन, ये है लेक्चर, यहाँ से स्टार्ट होता है. एक्चुअल में जो यूजेज मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, व्हेन टू यूज ए और एन, ए और एन हम कब यूज करते हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बस सिर्फ ध्यान रखिए. अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आया तो लेक्चर को फिर से रिपीट में देखिए तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा. और इसके बाद आपको किसी भी कहीं भी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए इसके बाद मैं आपको MCQs करवाऊंगा इसके, तो आप वहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि आपने आर्टिकल्स को कितना समझा है. और अगर आप इसके नोट्स उतारना चाहते हो तो ये बेटर वे है, रिवीजन के लिए आपको आसान होगा. क्योंकि अगर ये लेक्चर, अगर ये आर्टिकल्स 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 घंटे तक हो सकता है, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप 10 या 15 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हैं. तो ए एंड एन आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये मैंने पहले ही बताया कि ए एंड एन आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. व्हेन द नाउन इज नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक, ये भी याद रखना है, ये जरूरी है. ये दो चीज़ें, एक तो सिंगुलर काउंटेबल हो उस नाउन के साथ लगता है कि जिस जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, दूसरा नॉन स्पेसिफिक यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ ना हो. हमें पता ही नहीं है किस चीज़ की बात, किस स्पेसिफिक बात, किस नाउन की बात, किस स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है. ठीक है, एग्जाम्पल से आपको सब एक क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ओन ए कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है. कौन सी गाड़ी है ये हमें पता नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज जेनरिक. कार सिंगुलर काउंटेबल है. सो इन दिस सेंटेंस कार इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कार जो है सिंगुलर काउंटेबल है. एंड ये कोई भी कार हो सकती है, मेरे पास कार नहीं है, मैंने सिर्फ ये बोला कि आई डू नॉट ओन ए कार, मेरे पास कार नहीं है. हमें पता नहीं ये कौन सी कार, लेकिन ये कार जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं. शी वुड लाइक टू गो टू ए यूनिवर्सिटी दैट स्पेशलाइजेस इन टीचिंग, वो उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है जहाँ पे टीचिंग में स्पेशलाइजेशन है. किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है हमें नहीं पता. अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम होता तो हमें पता होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो नहीं लगता. तो यहाँ पे ए यूज होता है इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए यूज होता है. और अगर आपका एक यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एन, ये जो यूनिवर्सिटी है ये तो स्टार्ट होता है वोवेल से, यू से, तो यहाँ पे एन यूज क्यों नहीं होता, ये आपको मैं क्लियर करता हूँ. अगर हम यूनिवर्सिटी वर्ड को देखते हैं तो यू, यू मतलब वाई की आवाज़ निकलती है, वाई वाई का साउंड निकलता है, वाई जो है वो कंसोनेंट है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि किसकी जो वर्ड है वर्ड से पहले किसका साउंड निकलता है, तो यहाँ पे जो साउंड निकलता है वो है वाई. सो इट इज सो ए इज यूज. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाना चाहता हूँ. इन दिस सेंटेंस एप्पल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. कौन सा एप्पल, क्या ये डिलिशियस एप्पल है, गोल्डन है, अमेरिकन है, यह हमें नहीं पता है. बस मैं एक एप्पल खाना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि कौन से एप्पल की बात हो रही है. एन एप्पल है, यहाँ पे वोवेल की आवाज निकलती है, दैट्स व्हाई एन इज यूज्ड. एप्पल जो है यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, जेनरिक है, हमें नहीं पता कौन से एप्पल की बात हो रही है, और सिंगुलर काउंटेबल भी है. विद कंसोनेंट साउंड्स हम यूज होता है कंसोनेंट साउंड. मुझे लगता है लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं. बाकी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर और यहाँ कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत कीजिए. मुझे पता है कि अगर आपको अच्छा लगा तो खुद ही आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे. Thanks for today. See you in the next one. Thank you.